तो कैसी बनी है ये सब्जी, आप देख के खुद ही हमें कमेंट करके बताओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बरबट्टी की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये बरबट्टी हमने अपने खेतों से लाया है फ्रेंड्स, हमने अपने खेतों में लगाया था। तो ये कुछ इसके पत्ते कुछ ख़राब हो गए हैं, कीड़े लग गए हैं पत्ते में। तो इस प्रकार का पौधा होता है बरबट्टी का, तो हमने अपने खेतों से ही तोड़ के इसे लाया है। तो ये देखिए इस प्रकार से इसे तोड़ते हैं, इसी प्रकार से ये फल भी देते हैं 3-4 के ग्रुप में। तो ये देखिए हमने सारे बरबट्टी को तोड़ के ले आए हैं, और इस प्रकार से हम इसे तोड़ के बिल्कुल पुराने तरीक़ों से ट्रेडिशनली इस प्रकार से बनाया जाता है बरबट्टी को। इस साइड में इसके रेशे निकलते हैं, हालांकि ये बहुत ही ताज़े बोड़े हैं, तो इसमें जो है ज़्यादा रेशे नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये आपके दांतों में फंस सकता है खाने में। तो एक दूसरा तरीका भी हमने, आप चाहे तो इसे बगैर इस प्रकार से किए हुए आप चाकू की मदद से डायरेक्ट कट करके बना सकते हैं, क्योंकि बोरा बहुत ही हम लोग का खिंचा है, पतला बिल्कुल है, ज़्यादा इसके करे नहीं है इसका डंठल। तो ये देखिए हम इस प्रकार से डायरेक्ट आप चाकू से काट के भी बना सकते हैं, बिल्कुल ताज़े बोरे हैं इसलिए इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो सारे बरबट्टी को हमने इस प्रकार से काट के धो लिया है, और हमने एक आलू लिया है उसे छील के इस प्रकार से शेप में काटा है, एक प्याज और दो टमाटर। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे, और आलू ये बरबट्टी दोनों को हम एक साथ डालेंगे। उसके बाद हम इसे डाल के हम कवर कर देंगे अच्छे से, पहले मिला के उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। तो ये रेसिपी जो है 15 से 20 मिनट में आपका बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमने फिर से ढक्कन हटाया इसका, और ढक्कन हटाने के बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज और ये एक छोटी चम्मच सरसों और 2 से 3 सूखी मिर्च को हमने इस प्रकार से तोड़ के डाला है इसमें। और आप बोलेंगे कि मिर्ची और सरसों को पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि सूखी सब्जी हम बना रहे हैं भुजिया टाइप में, तो पहले डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जल जाती है, इसीलिए हमने एक बार कवर करके हटाएंगे उसके बाद ही डालेंगे, ताकि ये जो है हल्का सा मॉइस्चराइज रहे। तो फिर से हमने ढक्कन हटा के इसे चलाया, इसे आप लगभग 4 से 5 बार ढक्कन कवर करके पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। ये आलू को भी हमने देखिए इस प्रकार के शेप में काटा, हम ज़्यादा बड़ा आलू का पीस नहीं काटेंगे, नहीं तो फिर आलू हमारा नहीं पकेगा। और प्याज भी देखिए हमने आलू के शेप में लगभग काटा है। तो फिर से हमने इसे हटा के इसे चलाया, तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा जो बोड़ा है, इसे फ्रेंड्स हम लोग गाँव में बोड़ा भी बोलते हैं, बरबट्टी भी बोलते हैं, इसे कई जगह लॉन्ग बीन्स भी बोलते हैं, और कई नामों से इसे जाना जाता है। तो आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कितने लोग तो इसी को ही बीन्स भी बोल देते हैं, हालांकि ये बीन्स नहीं है, उसकी प्रजाति है। तो ये देखिए हमारा आलू और बोरा कितना बढ़िया से ये पका है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, लगभग 80% पक गया है हमारा। तो हम इस स्टेज पे टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर फ्रेंड्स हमने 2 लिया था मीडियम साइज़ का, ज़्यादा बड़ा टमाटर भी नहीं डालेंगे कि ज़्यादा खट्टी हो मेरी सब्ज़ी। तो टमाटर को डाल के हम इस प्रकार से मिला के इसे ढक्कन से फिर से ढक देंगे, ताकि हमारा टमाटर जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इस प्रकार से हम फिर से ढक्कन हटा के इसे चला लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही अच्छी लगती है इस प्रकार से आप बनाएंगे सब्जी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप
नहीं बनाए होंगे तो इस प्रकार से आप बना के ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली, और आधी चम्मच हल्दी। बस मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितने मसाले हमने डाला है बस उसी मात्रा में आप डाल के इसे बहुत ही लाजवाब टेस्ट इसे दे सकते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मसाला डालने से ही सब्ज़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। ये देखिए हमने बहुत ही कम मसाले में डाल के इसे इस प्रकार से बनाया। आप भी इस प्रकार से अपने घर पे बनाएं और उसके बाद कितना बढ़िया लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तो ये लास्ट में हमने थोड़ी सी गरम मसाला ऐड करके इसे थोड़ी सी चला लिया है, बाकी हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। ये फाइनली हमारा आलू और बरबट्टी की सब्ज़ी बन के तैयार है फ्रेंड्स। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है, आपको देखने से लग रहा होगा ना कि बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनी है ये। तो ये फाइनली हमारा बन के ये सब्ज़ी तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है, आपको देखने से लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो आप भी इस प्रकार की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाएँ और हमें कमेंट करके बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।